सर एक सेकंड सर 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 टेलर ला जाओ भाई सर एकदम जबरदस्त बहुत दिनों के बाद <laughs> It's been a long while since I was seen on the big screen. I'm back now, and with the bang. The bang is our hero. The movie is not my comeback. It is to show that Govinda is back. This movie is a complete package with dance, music, comedy, and all things me. I have also taken this opportunity to, to make myself felt on social media via Twitter, Facebook, and Instagram. My Facebook handle is hero number one dot Govinda. Twitter handle is Govinda underscore hero number one. स्टाग्राम एज गोविंदा डॉट ऑफिशियल आ गया हीरो विल बी आउट इन सिनेमा ऑन फेब्रवरी ट्वेंटी फोर्थ अब इससे ज्यादा मैंने इंग्लिश बोली तो आप लोगों से झेला नहीं जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इससे पहले कि मैं ये शुरुआत करूं फिल्म के मुतलिक कहना मैं आप सभी जर्नलिस्ट भाई बहने जो हैं आप सभी से धन्यवाद देता हूँ कि हाँ अभी तो धन्यवाद शुरू हुआ यार और के वर्षानुवर्ष आप लोग साथ रहे हैं मतलब ये फिल्म लग रही है और आप लोगों को मस्का लगाना है इसके लिए नहीं मैं कह रहा <laughs> ऐसे गलत नहीं सोचिएगा ये प्रेम बरकरार रहा है वर्षानुवर्ष अक्सर मैंने ये देखा है कि मेरे जितने दोस्त साथी या ख़ास तौर पर वो लोग आ, जो मुझे अच्छे लगे हैं जिनके साथ मेरा बहुत प्यार रहा है वो टॉप पोजीशन पे आए वो लोग एज जर्नलिस्ट आए जिस तरह मेरे पास रिक्शा के पैसे नहीं होते थे उस तरह उनके पास भी गाड़ियाँ नहीं होती थी और साधन नहीं होते थे उस तरह के और उसके बाद वो जर्नलिस्ट से निकलते निकलते वो पेपर के एडिटर बन गए और टॉप पे आए उनतीस तीस साल की इस ये पूरी जो जर्नी हुई है ये कमाल रही है माँ बाप का आशीर्वाद जो है वो मैं इसका साक्षी हूं मैंने आंखों से देख लिया है कि वो सदैव काम आता है चाहे आप बहुत पढ़े लिखे हो या लोग आपको जो समझे पढ़ाई लिखाई के बियॉन्ड है, है, है माँ बाप का आशीर्वाद मैं कभी फिल्मी तौर तरीके आ, मुझे नहीं आते थे थोड़ा यही पता था कि घर परिवार के लिए काम करूं मम्मी के लिए और साथ में सब जो हैं उनके लिए वो माध्यम हो जाऊं जिससे जिंदगी सहज सरल रहे आ, ये तो सोचा ही नहीं था कि हीरो हो जाएंगे और उसके बाद में इतना नाम हो जाएगा ये तो सोचा ही नहीं था परंतु हुए और हो के तो बहुत नाम हुआ बहुत से दौर देखने मिले वो समय देखने मिला जिस वक्त बहुत कष्ट होता था नौ किलोमीटर डे में नौ किलोमीटर इवनिंग में अठारह किलोमीटर की वॉक हो जाया करती थी पैसे नहीं होते थे रिक्शा के लिए बहुत कठिनाई का सामना होता था और वहाँ से निकलते निकलते फिर वो समय देखने मिल गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड घूम के आए और वर्ल्ड घूम के जो निकले हैं उसके बाद से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा मेरे लिए सदैव और बहुत ही सुखद मेरे लिए यही अनुभव रहा है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपना सपना साकार कर पाते हैं उनका सपना देख पाते, जो देखते हैं वो वो सपने जो साकार कर पाते हैं कि माँ बाप की सेवा उस रूप में वो कर पाए जिस रूप में सपने देखे गए हैं और मैं वो सपना जो है वो साकार कर पाया क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हम फिल्मी विषय में नहीं थे तो उसकी वजह से बहुत से कट भी कष्ट भी भोगने पड़ गए बहुत से लोग उस तरह के भी फायदे उठाए गए जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि वह ऐसा करेंगे परंतु अनुभव जो है वो कभी भी खराब नहीं होते वो अच्छे ही होते हैं हमें पता लग जाता है कि आपकी किस तरह से प्रेजेंटेशन जो है वो कितना कमाल उसका वो रखती है जगह फिर ये दौर आ गया कि हम पॉलिटिक्स में निकल गए वो मेरे लिए अच्छा नहीं रहा अच्छा इसलिए नहीं रहा कि पॉलिटिक्स किसी भी रूप में किसी के लिए वो वर्ग है वो जैसा समझता है वो उसकी समझ है मुझे तो लगता नहीं है कि आ, किसी भी जगह पे प्रॉब्लम यह है या वो ख़राब है आपकी पढ़ाई लिखाई जो है आपकी सही रहे तो आप सामंजस्य बना सकते हैं परंतु मैं वो सामंजस्य वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि उस विषय का मैं ज्ञाता नहीं हूँ तो मैं उससे निकल आया और जिस वक्त मैं निकल आया तो कभी सोचा नहीं था कि इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा उसी जगह पे फिर आए जो स्ट्रगल फिर शुरू हुआ था कई मित्रों ने मुझसे कह दिया गोविंदा जो छोटा मोटा रोल मिलता है करो काम करो घर परिवारों के बहुत से सदस्यों ने यह भी कह दिया कि भैया जो तुम जो चाह रहे हो वो तुम्हें मिल नहीं रहा है और जो मिल रहा है तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो ये काफी तकलीफ का दौर था उम्मीदें जो हैं वो बहुत कष्ट देने लगती हैं व्यक्ति को ज्यादा उम्मीद जो करता है उसे उतना ही दुख भोगना पड़ता है तो मैंने सोचा कि ये उम्मीद से निकल के मात्र शरण से मैं थोड़ा सा बाहर निकला बाहर क्या निकला तो उससे कभी निकल ही नहीं सकता हूं तो वैसा ही हूं परंतु फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी से पूछूं कि थोड़ा सा आप मुझे आज्ञा दें तो मैं चित्रपट बनाने की हिम्मत कर सकू वरना लेडीज लोगों का ये होता है कि भैया आपकी वजह से हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो मैंने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा आ, मैं धन्यवाद देता हूँ आज मेरी पत्नी आदरणीय सुनीता का कि उन्होंने मुझे अलाउड किया कि मैं ये फिल्म बना सकूं। तो जिस वक्त फिल्म शुरू हुई मैंने काफ़ी फिल्में एज अ गेस्ट ऑफ में कर ली थी तो मैंने कहा कि देखिए बहुत सारी फिल्में जो है ये गेस्ट ऑफ में कर ली है इसे थोड़े समय बाद ऐसा लगने लगेगा कि मैंने करेक्टर रोल एक्सेप्ट कर लिए हैं और उसके बाद कभी बाई चांस वाकई मैंने गेस्ट अफेयरेंस कर लिया या कभी किसी गाने के पीछे जाके खड़ा हो गया तो ऐसा लगेगा भैया इनका यही हाल हो गया है तो मैं थोड़ा सा दुख में था मैंने सुनीता से कहा कि सुनीता प्लीज आप मुझे अलाउड कीजिए कि मैं फिल्म बनाऊ तो आप, मेरे लिए अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं धन्यवाद देता हूं कि वो बहुत ही अच्छा रहा कि मैंने ये फिल्म शुरू की इट वॉज़ नॉट सो इजी टू मेक दिस फिल्म ये अलग जर्नी शुरू हो गई बहुत कठिनाई से मैं बाहर निकला राइटर्स बीच में से बाहर निकल गए और uh, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या चाहे वो जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास नहीं होता और सुविधाएं आपके पास नहीं होती है तो ये जो तकलीफ है वो ऐसा लगता है जैसे कि हाँ ये तो लिखी थी और ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा बहरहाल ऐसा मंजर आ जाता है ज़िंदगी में जिस वक्त तकलीफ की आपको तकलीफ़ नहीं होती है जिस वक्त आप आपका काम देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप धन्यवाद दे दें हर व्यक्ति का कि भैया जो जहाँ जिसकी क्षमता में जहाँ जैसे मेरे साथ रहा है मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोग साथ थे तो ये आप लोगों की वजह से मैंने ये फिल्म तैयार कर ली अब और अब इसे रिलीज कर रहा हूँ थोड़ा समय पहले ऐसा लगा था कि मैं इसे पहले रिलीज कर पाऊंगा पर ये दो तीन साल जो लग गए इस फिल्म में वो इसलिए लग गए कि जब फिल्म मैंने कंप्लीट कर ली तो फिल्म लाइन का माहौल ही बदल चुका है अब यहाँ पर मेकिंग जो है उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसका रिलीज हो गया है तो लोग दो, क्या होली दिवाली और पता नहीं क्या क्या देख के आते हैं लोग ईद देख के आते हैं। <laughs> तो गोविंदा के नोटबंदी देख के आ रहा है कि भैया ऐसा भी माहौल ना क्रिएट हो जाए तो ऐसा लगे कि भाई फाइनेंसर्स मेरा साथ तो दे ही नहीं रहे थे सम हाँ ऊपर वाले ने ये तैयार करवा दी और क्योंकि फाइनेंसर्स साथ नहीं दे रहे थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कैसे रिलीज कर पाएंगे बहुत घबराहट हो रही थी परंतु हाँ वे माँ बाप का आशीर्वाद जो है वो काम आ ही गया मैं आ, अब ये कंप्लीट है और रिलीज पे है और मुझे पी पार्टनर्स मिल गए तो मैं ही रिलीज कर रहा हूँ इसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका फर्स्ट लुक जो आज देखेंगे आप लोग वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आज तक आप लोग करते आए हो वर्षानुवर्ष और मुझे ऐसा सबसे ज्यादा अच्छा तब लगा जिस वक्त ये फिल्म मैंने अपने घर परिवार में दिखाई घर तो परिवार वालों की हालत होती है वो हीरो को कभी हीरो की तरह देख ही नहीं सकते वो किसी पति को अपना पति को कभी सुपरस्टार लगता ही नहीं है तो जब मैंने फिल्म दिखाई उसे तो पिक्चर देखने के बाद सभी ने तालियां बजाई और कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए तो काफी सुखद वो हु मेरे लिए रहा अनुभव और उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैं कभी भी ऐसा महसूस ही नहीं करता हूँ कि पब्लिक जो है वो मेरे घर परिवार की नहीं रही है वर्षानुवर्ष मेरे संबंध और मेरे जो साथ है हाँ सिर्फ यह है कि जिस वक्त आप मेरा चित्रपट देखने के लिए आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसको गहराई से देख के और बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा उलझ के क्रिटिकली उससे नहीं देखिए <laughs> प्रेम पूर्वक देखिए उसे जैसे वर्षानुवर्ष पसंद करते हैं लाइक करते आए हैं आप लोग को देखिए आइए आप लोगों को मैं अपना इस फिल्म का फर्स्ट लुक दिखाता हूँ थैंक यू सो मच फॉर योर लव